शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप? हाँ मैं हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? तेरे पंख काटने का बंदोबस्त। डैड की बेइज्जती पर बहुत हंस रही थी ना तू? बस आज के बाद हंसना तो क्या, रोना भी तू भूल जाएगी। पूरे शहर में यही गाड़ी मिली थी छुपने के लिए। आगे आकर बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। थैंक यू सर। काय का सर, काय को भाग रही थी? ये तो तुम्हारा धंधा है, क्यों पैसे कम दे रहा था? आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। क्लब में नंगी नाचती हो, ऊपर से कहना चाहती हो शरीफ हो। गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। देखो रात है, फिर कोई पीछे पड़ेगा, हर जगह मेरी गाड़ी खड़ी नहीं मिलेगी। चलो घर तक छोड़ देता हूँ। ये अभी तक स्याही उतरी नहीं, घस घस के थक गई मैं तो। क्या हुआ? पुलिस की जीप है क्या? नहीं मुस्तफा, आप अंदर आइए ना। तुम एक पेशेवर होटल में नाचने वाली हो, मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा, लोग मुझे तुम्हारा ग्राहक समझेंगे। ये होटल नहीं, किसी का घर है। ये वही मुस्तफा है। कौन? वही जिसने मेरे ऑफिस में घुसकर शर्ट के ऊपर स्याही की छींटे उड़ाए थे। छी, गुंडा मवाली। आइए। कविता? हाँ माँ। ये तुम्हारी माँ है। कौन है बेटी? मेहमान है, घर तक छोड़ने आए हैं। आओ आओ बैठो ना, आओ बैठिए। वो नाचने वाली और वो गुंडा बराबर की जोड़ी है, बेशरम बेहया। छोड़ो जी, हमें क्या लेना, आइए। मैं चाहती थी ये नटराज की सेवा करे, कला के लिए पैरों में घुंघरू बांधे। घुंघरू तो बांधे मगर पैसों के लिए। मैं चलता। जो मैंने तुम्हें भला बुरा कहा उसे भूल जाओ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपका क्या दोष? आपकी जगह कोई और भी होता तो यही समझता। औरों में और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मैं भी औरों जैसा निकला, अफसोस। विद्या, क्या है? कल गार्डन में क्यों नहीं आई? बाद में बताऊंगी। छोड़ो यार, तुम हमेशा मेरी इज्जत के फालूदे उड़ाती हो। मैंने 4 घंटे तुम्हारा इंतजार किया और तुम? अरुण प्लीज, सब लोग देख रहे हैं। अरे देखते हैं तो देखने तो मैं नहीं डरता किसी से।
तुम जानती हो तुम मुझसे एक दिन नहीं मिलती तो मेरा क्या हाल होता है? स्टूपिड गर्ल। अच्छा बाबा, आ जाऊंगी मैं गार्डन में। गार्डन में नहीं, मंदिर में। मंदिर में क्यों? क्योंकि मैं अब और ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। आज भगवान के सामने शादी का फुल एंड फाइनल हो जाए। ठीक है, अब चुपचाप टाइपिंग करो। अब क्या है? आई लव यू। अरे भाग्यलक्ष्मी, छुट्टे पैसे दो ना, कब से चिल्ला रहा हूँ। अरे भाई, मेरे पास छुट्टे नहीं है। ठहरो, देखती हूँ, शायद विद्या के पर्स में छुट्टे हो। रोज छुट्टे पैसे जमा करती हूँ, ये लोग ले जाते हैं और फिर मुझ पे। मिस्टर दीक्षित, मिस्टर दीक्षित, विद्या, विद्या, क्या हुआ, क्या बात है? पता है क्या किया हमारी बेटी ने? क्या किया है? विद्या ने क्या है मामा? लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही हो? लक्ष्मी, डॉक्टर को बुलाओ। मेरी बीमारी की वजह तो ये लड़की है, लड़की। देखो जरा उसके पर्स में, देखो तो सही। भाग्यलक्ष्मी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी बेटी अब ब्याह के काबिल हो गई है। तो क्या इसका मतलब है हमें बेइज्जत करेगी? भाग्यलक्ष्मी, मेरा ख्याल है तुम लड़के के घर वालों से मिल लो। मिल लो, पता नहीं कैसे हैं वो लोग। वो लोग अच्छे हैं मामा। चुप कर, दूर हो जा मेरी नजरों से। रो। भाग्यलक्ष्मी, मेरी एक बात मानोगी, तुम एक बार उस लड़के को देख तो लो। मुझे विक्रम के इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए प्रिंसिपल से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम विद्या से एड्रेस लेकर लड़के वालों से मिल आना। देखिए जी, अरुण हमारा इकलौता बेटा है जी। हम चाहते हैं उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो। आप फिक्र मत करें बहन जी, अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, फिर भी हम आपसे कुछ साफ साफ बातें करना चाहते हैं जी। वो क्या है कि 50-60 तोले सोने के जेवर, कलर टीवी, स्कूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि लाख रुपए नगद के तो कई ऑफर हमारे बेटे के लिए आ चुके हैं। मगर भाई साहब, हम लोग तो इतना नहीं दे पाएंगे। हम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो फिर सामने दरवाजा है, अभी आप जाइए। जब हम अरुण की शादी का कार्ड आपको भेजेंगे तो आप जरूर आइएगा और खाना खाकर जाइए। तो आप 2 लाख रुपया डोनेशन नहीं लाए? नहीं सर, मैं तो सिर्फ मार्कशीट लेकर आया हूँ। सर, मेरे बेटे के 98% मार्क्स हैं। अच्छा? हाँ? मेरे ऑफिस के बाहर एक कचरे का डब्बा है, जाते वक्त इसे उसमें डाल देना। मना करके चली आई। अरे भाई, इकलौती बेटी है हमारी। सच कहूं तो मुझे लड़का अच्छा नहीं लगा, है ना विक्रम? मेरा मतलब है कि इससे 1000 गुना अच्छा लड़का हमारी विद्या को मिल सकता है। बस एक बार हमारा विक्रम इंजीनियर बन जाए, सब ठीक हो जाएगा। इंजीनियर बन के क्या फायदा? एडमिशन तो मिल रहा था लेकिन मैंने ना कह दिया। अरे आज सुबह के अखबार में पढ़ा मैंने कि लाखों इंजीनियर्स बेकार बैठे हैं, लाखों। और हाँ, साइंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारा विक्रम बीएससी करेगा, पीएचडी करेगा। हैं? हम कब तक एक दूसरे से छुपाते रहेंगे भाग्यलक्ष्मी? सच तो यह है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। अरे मायूस क्यों हो रहे? धीरज रखिए, इनका सब अच्छा होगा।
ईश्वर देख रहा है। देखना, एक दिन ये इंजीनियरिंग की सीट जलकर हमारे घर आएगी और ये रिश्ता हमारा दरवाजा खटखटाएगा। विक्रम देखो तो बेटा कौन आया है। आप मुस्तफा, बैठो बैठो बैठो। दयानंद मुझे मालूम है तुम्हें बच्चे की शादी के लिए और बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत है। देखो ये इतने पैसे हैं कि इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। बस इसके बदले में तुम्हारे कचहरी में हमारे जो भी पेपर आएंगे उन्हें पास करते रहना। इसके बारे में तुम मेरी राय जानते हो है? इसके बारे में तुम मेरी राय जानते हो। उस वक्त मैंने तुम्हारे उसूल जाने थे, आज तुम्हारी हालत जान चुका हूं। देखो इस शादी के कार्ड पर तुम्हारे बच्चे का नाम छप सकता है। क्या बोलते हैं तुम हिंदू लोगों में वो चिरंजीव सभा कांक्षिन विद्या। इस घर के दरवाजे पर दूसरी पार्टी लग सकती है, मिस्टर विक्रम दीक्षित बीए बैचलर इंजीनियर। तुम बीमार हो, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही हो, बच सकती हो, समझाओ इसे। हाँ मैं समझ गया। लक्ष्मी, मेरी तनख्वाह से सिर्फ ये घर चला, मगर मेरे उसूलों की वजह से इस घर का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है मुस्तफा। मुझे पता था तू भी बिकाऊ निकलेगा, छपवा दे कार्ड। नहीं, ये पैसे मत लीजिए डैडी, बहुत से मैं अरुण को भूल जाऊंगी। मुझे भी इन पैसों से इंजीनियर नहीं बनना है डैडी। तुम्हारी तो जिंदगी का सवाल है, तुम्हारी क्या राय है? इन पैसों से इलाज करवाने से तो मर जाना अच्छा है। देखा, पैसे लेने के सिर्फ बात से इन पर यह असर हुआ। अगर सचमुच में पैसे ले लेता तो क्या होता? विक्रम बेटा यहां आओ। विद्या बेटी, देखा मुस्तफा, ये है हमारा परिवार। अच्छा है, इसकी एक फोटो उतारो और एल्बम में चिपका दो। वैसे झाड़ पे पैसे लटकते नहीं, तुम्हारा नसीब अच्छा है, बार बार आने को मुझे फुर्सत नहीं, जब जी चाहे उतार लेना।